बीए सेकंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी हमने डिवाइसेस देख ली थी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस कौन से हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लैंड्स मिस्ड यानी स्थानीय सभाएं या जनसभाएं या प्रारंभिक सभाएं, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक करने से पहले मैं ये थोड़ा सा तुम्हें वापस रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तीन महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं। पहली डिवाइसेस है रेफरेंडम, दूसरी डिवाइसेस है, देखिए पहली है रेफरेंडम। रेफरेंडम कितने प्रकार का होता है वो हमने कर लिया था, अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों हमने कर लिए हैं। उसके बाद में है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोलते हैं या इनिशिएशन, इनिशिएशन तो यहाँ पे इसे हिंदी में बोलते हैं आरंभक, और रेफरेंडम को बोलते हैं जनमत संग्रह या लोक निर्णय। तो जनमत संग्रह के बारे में डिटेल हम कर चुके हैं, और लोक निर्णय एक ही बात है, इनिशिएटिव यानी आरंभक। आरंभक के बारे में देखो, हमने पढ़ लिया था कि एक सविन्यासित और एक अविन्यासित दो प्रकार के आरंभक होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। अभी देखो, हम आज का जो टॉपिक है वो है लैंड्समिस्ड। लैंड्समिस्ड का अर्थ होता है जनसभाएं या प्रारंभिक सभाएं या स्थानीय सभाएं। तो स्टूडेंट्स, ये दो नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, या तुमसे पूछा जाएगा प्रारंभिक सभाएं का क्या कार्य है, प्रारंभिक सभाएं क्या है तो तुम्हें बताना है, या फिर स्थानीय सभाएं, स्थानीय सभाएं या जन सभाएं या लैंड्समिस्ड। ठीक है, ये शब्द एक ही है, सारे के सारे शब्द एक ही हैं, चाहे वो दो नंबर का प्रश्न पूछा जाए चाहे वो पांच नंबर से अधिक का प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए, हम यहाँ तक कर चुके हैं। पहले तुम्हें ये बात का मालूम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि कानून निर्माण में या नीतियां निर्माण में, कानून निर्माण या नीतियों के निर्माण में जब प्रत्यक्ष रूप से स्वयं नागरिकों की भागीदारी जहां होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, स्वयं नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून या नीति निर्माण में भागीदारी लेना। अभी देखो, क्या ये पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में है व्यवस्था, तो ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे स्विट्जरलैंड में नहीं है, बल्कि चार अर्ध कैंटन और एक पूर्ण कैंटन में ही ऐसी व्यवस्था है। देखो, जो पूर्ण कैंटन है वो ग्लेरस है, ग्लेरस में, और अर्ध कैंटन में ओवाल्डन, निडवाल्डन, इनर अपंजल और आउटर अपंजल, ये टोटल पांच ऐसे जिले हैं, पांच ऐसे कैंटेन हैं जहां पे पांच कैंटेन यानी राज्य, स्टेट, जहां स्टेट कहलाते हैं यहाँ पे वो वहां कैंटेन कहलाते हैं, यहाँ की स्टेट को वहां कैंटेन कहते हैं। तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी सारे के सारे स्विट्जरलैंड में नहीं है, बल्कि पर पांच कैंटेन में है, ग्लेरस जो कि पूर्ण कैंटेन है, ऑफवाल्डन, निडवाल्डन, अपर इनेंजल और इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल, इन पांच जगहों पे, पांच कैंटेन में, पांच राज्यों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो डिवाइसेस है वो हमने की थी, पहली रेफरेंडम दूसरी इनिशिएटिव और तीसरी लैंड्समिस्ड। और लैंड्समिस्ड का ही आज हमारा टॉपिक है। तो लैंड्समिस्ड को क्या क्या कह के पुकारा जाता है, जनसभाएं, प्रारंभिक सभाएं, स्थानीय सभाएं
बारे में लिखोगी, क्या लिखोगी? तुम्हें पता है कानून निर्माण का काम करता है, तो ये है क्या? अपने कैंटीन की व्यवस्थापिका है। देखिए कैंटीन की व्यवस्थापिका है अर्थात ये किसी राज्य की व्यवस्थापिका है, अपने कैंटीन की व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है। देखिए हमारे यहाँ पे जो MLA होते हैं, हमारे यहाँ पे जो MLA, हम देखिए भारत में भी प्रजातंत्र तो है लेकिन डायरेक्ट प्रजातंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि वहाँ पे व्यवस्थापिका में बैठते हैं और MLA कहलाते हैं। प्रत्येक स्टेट का MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा है कि अप्रत्यक्ष है नहीं, तो प्रत्येक कैंडिडेट की व्यवस्थापिका लैंडसनिस्ट कहलाती है। तो लैंडसनिस्ट क्या है? वहाँ की व्यवस्थापिका है, कैंडिडेट की व्यवस्थापिका है। तो यहाँ पे देखिए, और ये जो जनसभाएं होती हैं, लैंडसनिस्ट होती है, ये जनसभाएं पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होती है। पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? सुपर एनएस, हमने प्रभुसत्ता पढ़ा था। प्रभुसत्ता क्या है? सुपर एनएस। तो हमने सुपर एनएस का अर्थ क्या है? प्रभुता, प्रभुता यानी डिसीजन लेने की पावर, निर्णय लेने की शक्ति। प्रभुत्व संपन्न है, इनके पास में पूरी तरह से निर्णय लेने की पावर है, प्रभुत्व संपन्न संस्था है और जनसभाएं। और जनसभाएं क्या है? कैंटन की व्यवस्थापिका है, अपने कैंटन की व्यवस्थापिका कौन होती है? जनसभाएं। प्रभुत्व पूर्ण संपन्न है। और इसके अलावा ये जो है, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूर्त रूप है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मूर्त रूप, मूर्त माने क्या है? जो हमें दिख रही है, जनसभाएं हमें दिख रही है, प्रजातंत्र का मूर्त रूप है जनसभाएं। और यहाँ ये पांच कैंटनों में पाए जाते हैं, वो हमने कर लिया, एक पूर्ण कैंटन और चार अर्ध कैंटन, वो हमने पढ़ लिया है। क्लेरस में पाया जाता है और वाल्डन में पाया जाता है, निडवाल्डन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे इसका ये मूर्त रूप है वो जनसभाएं हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो अपनी कार्यवाही करती है जनसभाएं, प्रत्येक जनसभाएं अपनी कार्यवाही, तो इसके लिए तुम समझो कार्यवाही में भागीदारी कौन करता है? कार्यवाही में भागीदारी प्रत्येक व्यक्ति जो कि 20 वर्ष का हो चुका है या उससे अधिक हो गया है, 20 वर्ष से अधिक का व्यक्ति इसकी कार्यवाही, जनसभाओं की कार्यवाही में भागीदारी करता है, अनिवार्य रूप से करता है। और उसके बाद में आता है कि बैठक कब कब होती है, जनसभाओं की बैठक। तो जनसभा, प्रत्येक जनसभाओं की जो बैठक है वो एक वर्ष में एक होनी तो अनिवार्य है, एक वर्ष भर में एक बैठक अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखो अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बैठक होगी। उसके बाद में देखिए आता है जनसभाओं के कार्य, जनसभाओं के कार्य। तो जनसभाओं के कार्य में हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, लैंडसनिस्ट के कार्य क्या क्या हैं? तो लैंडसनिस्ट के कई कार्य होते हैं जिनमें से चुनाव पहला कार्य है, चुनाव। तो ये चुनाव किस किस का करते हैं? ये अपनी कार्यकारी परिषद का चुनाव करता है, कार्यकारी परिषद का चुनाव। सबसे पहला लैंडसनिस्ट प्रत्येक 20 वर्ष के होने के बाद के नागरिक अपनी एक कार्यकारी परिषद चुनते हैं, कार्यकारी परिषद और उसके साथ में ही उसका एक अध्यक्ष भी चुनते हैं, कार्यकारी परिषद और उसका अध्यक्ष। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला कार्य इनका क्या है? चुनाव करना, अपने में से ही एक कार्यकारी परिषद और एक अध्यक्ष, अध्यक्ष एक वर्ष के लिए ही चुना जाता है। प्रत्येक कार्यकारी परिषद का एक अध्यक्ष होता है जो कि एक वर्ष के लिए चुना जाता है। ये तो काम चल रहा है, कार्य हम कर रहे हैं जनसभाओं के कार्य। कार्य क्या है? चुनाव। सबसे पहले कार्यकारी परिषद का चुनाव होता है, परिषद के साथ साथ अध्यक्ष का चुनाव होता है और कैंटीन
कैंटीन अपने कैंटीन के न्यायाधीशों का चुनाव, 4 नंबर संघीय संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव, 5 नंबर प्रमुख अधिकारियों का चुनाव जनसभाएं करती हैं। ये इसका पहला कार्य हो गया चुनाव। पहला कार्य क्या है? चुनाव करती है। दूसरा कार्य है रिपोर्ट पर विचार करना। एक वार्षिक, अभी जब कार्यकारी परिषद बन गई, कार्यकारी परिषद को बनने के बाद में वह एक वार्षिक रिपोर्ट देती है। कार्यकारी परिषद जनसभा को वार्षिक रिपोर्ट देती है। जो वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है उस वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने का कार्य, रिपोर्ट पर विचार करने का कार्य है जनसभाओं का। उसके बाद में है बजट पर विचार। देखो, कार्यकारी परिषद द्वारा ही बजट बनाया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है और उस बजट पर जो विचार किया जाता है, और विचार ही नहीं बल्कि संशोधन भी किया जा सकता है। तो बजट में जो विचार होता है और संशोधन होता है, इसका कार्य भी जनसभाएं करती है। इसके साथ साथ में कानून निर्माण, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि व्यवस्थापिका है, जनसभाएं क्या है? अपने कैंटीन की व्यवस्थापिका है। तुम जानते हो एक व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? एक व्यवस्थापिका का काम होता है कानून निर्माण का। व्यवस्थापिका क्या मुख्य काम करती है? कानून निर्माण का। तो देखो, कानून निर्माण का काम भी करती है, क्योंकि ये कैंटीन की व्यवस्थापिका है। और कानून निर्माण के साथ साथ में संशोधन, कानून में किसी भी प्रकार का संशोधन भी करना होता है तो भी जनसभाएं करती हैं, चाहे वह संशोधन आंशिक है और चाहे वह संशोधन पूर्ण है। तो आंशिक व पूर्ण संशोधन करती है, कानून निर्माण का काम करती है, बजट पे विचार करती है और बजट में संशोधन करती है। इसके साथ साथ में कार्य परिषद द्वारा जो विचार दिया जाता है, प्रति वर्ष रिपोर्ट दी जाती है उस पे भी विचार करती है, कार्यकारी परिषद का चुनाव करती है, अध्यक्ष का चुनाव करती है, कैंटीन के न्यायाधीशों का चुनाव करती है और यहाँ पे संघीय संसद के लिए कैंटीन के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। तो मेरे को यही आशा है तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। और किसी भी प्रकार की स्टडी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, मेरे नंबर पे तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में तुम इसे रिवाइज कर लो।